हेलो दोस्तों, मैं सुजीत और क्रिएटिव एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक सिंगल प्लेन पर पूरी इंटीरियर सीन को OSL मैप की सहायता से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम wparallax.com पर चलते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ से हम इसका फ्री सीन डाउनलोड कर लेंगे। ओके, मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है। आप यहां से परचेज अगेन क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद हमें एक आर्काइव मिलेगी जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके अंदर दो और आर्काइव मिलेगी, इनको भी हम उसी तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, अब हमारे पास दो फोल्डर हैं। पहले फोल्डर में OSL शेडर्स हैं और सेकेंड इसके अंदर मैप्स, मैक्स फाइल और C4D, ब्लेंडर टेस्ट फाइलें पड़ी हुई हैं जिसको आप ओपन करके आप चेक कर सकते हैं। पर हमें इसमें EXR फाइल की ज़रूरत है जिसको हम अपने सीन में यूज करेंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने मैक्स पर। तो सबसे पहले हम एक प्लेन ले लेते हैं और इसकी साइज 10x20 ले लेता हूँ और इसके सेगमेंट को हटा लेते हैं। अब हम मटेरियल एडिटर खोलते हैं। इस शेडर की प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए हम स्लेट मटेरियल एडिटर में चलते हैं। अब यहाँ पर हम वीरे में दो तरीके से बना सकते हैं और कोरोना में सिर्फ एक तरीके से बना सकते हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगा। पहला तो हम नॉर्मल वीरे मटेरियल एंड सेकंड वीरे लाइट मटेरियल से बना सकते हैं। तो हम दोनों मैप को ओपन कर लेते हैं। अब मैप्स के अंदर जनरल में OSL मैप मिलेगा, इसको हम ओपन कर लेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर OSL कोड में हम डाउनलोड किए हुए शेडर में से OSL को कॉल करा लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर अब OSL मैप को कॉल कराएंगे जिसमें हमारी EXR फाइल ओपन होगी। लेकिन आप अगर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन लो है तो आप 1K की ही यूज करेंगे, मैं अभी 3K यूज करने जा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक डे का सीन और इसकी RGB को वीरे लाइट मटेरियल में लाइट कलर से कनेक्ट कर देंगे। ओके, कुछ इंटेंसिटी दे देते हैं और इस मटेरियल को असाइन कर लेते हैं अपने प्लेन पर, अपना IPR एंट्रिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हम OSL मटेरियल में जाकर इस टेक्सचर को फ्लिप कर लेंगे, जैसे कि हमारा टेक्सचर फ्लिप हो गया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा सिंपल प्लेन पर एक 3D इमेज दिख रही है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम इसे पूरी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने अनुसार यूज कर सकते हैं और इसकी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके टेक्सचर को फ्लिप किया, आप इसकी टेक्सचर को फ्लिप कर सकते हैं। अगर रूम के लेफ्ट साइड में ग्लास आ रही है तो आप लेफ्ट वॉल को रिमूव कर सकते हैं। अगर सेम चीज़ राइट वॉल में हो रही है तो राइट वॉल को हटा सकते हैं, सेम बैक वॉल को भी हटा सकते हैं, कर्टेन को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, फर्नीचर में हम फर्नीचर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अब इसी को वीरे मटेरियल से करने के लिए हम इसकी RGB को सेल्फ इल्यूमिनेशन में कनेक्ट करेंगे और मटेरियल को अपने प्लेन पर असाइन कर देंगे। ठीक है, डिफ्यूज को ऑफ कर देंगे और सेल्फ इल्यूमिनेशन की इंटेंसिटी दे देंगे। अब इसकी टेक्सचर को चेंज करके देख लेते हैं। इसी का एक नाइट मैप ले लेते हैं। ओके, इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसकी इंटेंसिटी डाउन। ओके, फाइव। ओके, ठीक है, अब सेम सीन ये नाइट सीन के लिए हो गया। अब हम इस मैप को अपने अनुसार मॉडिफाई करेंगे। इसके लिए हम इस मैप को अपने फोटोशॉप में ओपन करते हैं और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 9 बॉक्स मिल रहे हैं जिनमें हर एक बॉक्स की अपनी एक प्रॉपर्टीज है। जैसे पहला
जैसे फर्नीचर हुआ, फर्नीचर सीलिंग फर्नीचर का है, वॉल लेफ्ट वॉल बैक वॉल राइट वॉल कर्टेन फ्लोर एंड लास्ट पीपल। जो और जो यही सेम प्रॉपर्टी आपके अपने OSL मटेरियल में भी मिलना है। इसके लिए तो अब हम इसको अब हम अपने अनुसार मॉडिफाई करते हैं। और ध्यान रहे मॉडिफाई करते टाइम हम इसकी कलर को डार्क में ही रखेंगे, जैसा कि हमारा मैप में दिख रहा है। इनके ओरिजिनल मैप, इनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज दिख रही है, डार्क एंड डिसैचुरेटेड ही लेंगे, क्योंकि हम अपने मटेरियल में इंटेंसिटी दे रहे हैं, मतलब आई मीन इसको ग्लो कर रहे हैं, तो हमें उसी हिसाब से यहाँ पे डार्क मैप ही बनाना है। अब हम इसे सेव एज करेंगे, और ध्यान रहे इसको हम EXR फाइल में ही सेव करेंगे। अब हम अपने मैप को कॉल कराते हैं 01। हाँ यस ओके, रेंडर ऑन करके देखते हैं। ओके अब आप देख सकते हैं कि हमारा मैप चेंज हो गया है, पेंटिंग आ गई है, फर्नीचर आ गई है, कर्टन का कलर चेंज हो गया है, फ्लोर चेंज हो गया है। अब हम इसके अपनी फर्नीचर को मॉडिफाई कर लेंगे, फर्नीचर काफ़ी बड़ा हुआ है, हम इसको फोटोशॉप में चल के अभी सही कर लेते हैं। ओके फर्नीचर सेकेंड फर्नीचर हमारा भी आ गया है, ये भी बड़ा है, इसको भी हम मॉडिफाई कर लेंगे। अब हम इसको जी डेप्थ मतलब इसकी प्लेसिंग भी चेंज कर सकते हैं। ओके इसको भी सेव एज कर लेते हैं, और हमेशा EXR फाइल में ही सेव एज करेंगे। फिर नए मैप को कॉल करा लें, ठीक है, राइट वॉल रिमूव। अभी फर्नीचर को हमें और थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं बस एक टेस्ट पर्पज से ये सिलेक्शन सही नहीं है, बट आप सिलेक्शन सही लेकर इसकी डायमेंशन को, इसकी इमेजेस को सही यूज कर सकते हैं, मतलब करेक्ट स्केल में यूज कर सकते हैं। रूम की डेप्थ को हम बढ़ा घटा सकते हैं, अपनी विंडो के एस्पेक्ट रेशियो को भी चेंज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा सीन जो हमने चेंज किया था वो काम कर रहा है हमारे 3D में, और वो भी सिर्फ एक प्लेन पर। अब सेम प्रोसेस को हम कोरोना में कैसे करेंगे ये दिखाता हूँ। रेंडर सेटअप में जाके हम रेंडर इंजन कोरोना सेलेक्ट करेंगे, और अब हम मैप में कोरोना मटेरियल यूज करेंगे।
इसकी आरजीबी को सेम उसी प्रकार सेल्फ इल्यूमिनेशन में ऐड करेंगे। और रेंडर हिट करते हैं। कोरोना मटेरियल के एडवांस सेटअप में सेल्फ इल्यूमिनेशन की प्रॉपर्टीज मिलेगी, जहां से हम इसकी मल्टीप्लायर को बढ़ा लेंगे। जिस तरीके से हम लोग वीरे की लाइट मटेरियल यूज कर रहे थे, यहाँ कोरोना में ये इस OSL मैप की कुछ बग्स हो सकती है, पर ये कोरोना में लाइट मटेरियल के साथ वर्क नहीं करता है। अगर आपके फाइल में ये वर्क करता है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। कोरोना लाइट मटेरियल के साथ ये वर्क नहीं कर रहा है, हो सकता है ये अब आगे आने वाले अपडेट में सही हो जाए, पर वहीं आपका कोरोना मटेरियल में ये सही वर्क करता है। तो कोरोना के लिए हम सिर्फ कोरोना मटेरियल ही यूज कर सकते हैं, पर वीरे के लिए हम वीरे लाइट मटेरियल या वीरे मटेरियल कोई भी हम यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।